फिट सेवन क्लब के बैनर तले बोदला बिचपुरी रोड स्थित अवंतीबाई स्टेडियम में यूनाइटेड 11 और किंग्स 11 टीमों के बीच मैच खेला गया। मैच को देखने के लिए शहर भर से खेल प्रेमी स्टेडियम में मौजूद रहे। हम लोग हर साल ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं, जैसे कि ये हमारा द्वितीय क्रिकेट फिट सेवन लीग चल रहा है। इसके अलावा अभी 17 फरवरी को फिटनेस सेवन जिम के द्वारा और सभी ज्वेलर्स के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जा रहा है, जहां आकर आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो, क्योंकि ब्लड डोनेशन एक रक्त महादान है। आप इसको आइए और ऐसी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहिए हमारे साथ। और यहाँ चार टीम है, ये चार टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। अभी दो टीम ऑलरेडी खेल चुकी है, अभी फाइनल होने वाला है, सेमीफाइनल कम्प्लीट हो चुका है। दो टीमों का रिजल्ट रहा है इसमें। अभी हमारा फिटनेस किंग्स जो एक टीम है, एक वॉरियर्स है, जिसमें फिटनेस सेवन किंग हमारा विनर रहा है सेमीफाइनल में। अभी एक फाइनल मैच होगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। और आज फिट सेवन जिम वाई MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जिनको मेरे बचाने की वो नहीं है, इसको तो पूरा देश ही जानता है, इंडियन टीम के कैप्टन है, उनकी ये जिम है। आज फिट सेवन जिम के द्वारा क्रिकेट मैच का आयोजन है अवंतीबाई लोधी ग्राउंड पर किया गया है और बहुत ही अच्छा, ये द्वितीय संस्करण है इस जिम के द्वारा। और फिट सेवन टीम की पूरी टीम को बधाई दूंगा, उनके जो ऑनर हैं यह सारस्वत और दिनेश बघेल और उनकी पूरी टीम, जो कि इस तरीके के लगातार आयोजन शहर में कराते हैं, जिससे कि खिलाड़ियों में उत्साह और फिटनेस और स्वस्थ रहने की उनमें रहती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा पूरी टीम को फिट सेवन जिम। और हम लोग फिट सेवन बाय MS धोनी की फ्रेंचाइजी रन करते हैं आगरा में, और हमको इस जिम को चलाते हुए करीब 16-17 महीने हो गए। ये दूसरा सेशन हमने करवाया है, लास्ट ईयर हमने करवाया था जिसमें चार टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, इस बार भी चार टीमों ने भाग लिया है, जिसमें एक हमने स्पेशली डॉक्टर्स की टीम उतारी है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन लोगों ने, बहुत अच्छी तैयारी थी, बाकी चारों टीमों की भी बहुत अच्छी तैयारी है। हमारा टोटल मोटिव फिटनेस को लेकर रहता है, हम बेसिकली फिटनेस को ही प्रमोट करते हैं। और जो भी मेंबर्स हमारे यहाँ आते हैं या जो भी कस्टमर्स हमसे जुड़ते हैं, हमारा टारगेट टोटल फिटनेस पर काम करना होता है।